हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता मिश्रा। amritamishra.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं भिंडी महारानी की रेसिपी। जी हां, मैंने इसका नाम भिंडी महारानी रखा है। वो मैं आपको सब्जी जब बनाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने इसका ये नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये भिंडी को एकदम स्पेशल रूप देने वाला है। सो फ्रेंड्स, रेसिपी बताने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। इसके लिए हमने आधा किलो भिंडी लिया था, जिसको साफ़ धुल के पोंछ के हमने ऐसे शेप में काट लिया है। और हमने लिया है एक कप दही लिया है। दही जो है अच्छी गाढ़ी क्रीमी दही होनी चाहिए, उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। दो बड़े प्याज लिए थे, उसको लंबाई में काट लिया है। दो लाल मिर्चे हैं, साबुत लाल मिर्च है। एक पूरा लहसुन था जिसको हमने छील लिया है। एक इंच अदरक हमने ली है। तीन हरी मिर्च ली थी जिसको लंबाई में काट लिया है। आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। एक चौथाई चम्मच हमने राई ली है। आधा चम्मच हमने साबुत जीरा लिया है। एक चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। 3/4 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। इससे रंग और फ्लेवर टेक्सचर दोनों बहुत ही अच्छा आता है। नमक स्वाद अनुसार लेना है। आधा चम्मच हमें हल्दी पाउडर लेना है। और हमें लगेगा ऑयल, इसमें लगेगा ऑयल। हमें 1/4 कप लिया है हमने इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो भिंडियाँ थी, भिंडी लेके हमें फ्राई करना है। यही इस सब्जी की, आप धीरे धीरे देखते जाएंगे, इस सब्जी की स्पेशलिटी, इस सब्जी को बनाने का तरीका एकदम डिफरेंट है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पहले हमको भिंडी को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने तेज़ आंच पे चलाते हुए फ्राई किया है। अब एक प्लेट लेना है, उस पर टिश्यू पेपर लगा देना है कि जितना एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और इसको धीरे धीरे करके छान के हमें निकाल लेना है। ये देखिए, भिंडी को एक प्लेट में हमने निकाल के रख लिया है। अब इसको साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हमें इसमें प्याज भी तलनी है, तो हम प्याज डालेंगे। प्याज हमें तल के इसमें निकालनी है, तो हम प्याज इसमें तेज़ आँच पर हम इसको अच्छे से चलाते हुए, प्याज जब तक लाल ना हो जाए तब तक हम अच्छे से इसको भून लेंगे। और हमें प्याज भी निकाल लेनी है और उसका पेस्ट हमें फिर बनाना है। यही इस सब्जी की स्पेशलिटी है। आप देखते जाएंगे कि सब्जी कितनी अच्छी बनने वाली है। अब हम प्याज को भी लाल होने तक अच्छे से पका लेंगे। प्याज भी हमारे हल्के गुलाबी हो चुके हैं, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, जो प्याज हमने गुलाबी की थी तल के, वो यहाँ तैयार है। उसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। और लहसुन और अदरक भी ले लेंगे अब हम इसमें, और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, पेस्ट हमारा बन के तैयार है। अब उसी कढ़ाई में जिसमें हमने भिंडी तली थी और प्याज तले थे, उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल निकाल दिया है। आप चाहें तो उतने ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल निकाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया है इसमें। अब इसमें राई डालेंगे हम, जीरा डाल देंगे, अच्छे से इसको फ्लटर होने देंगे। अब इसमें साबुत लाल मिर्चें डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, हल्दी पाउडर यहाँ डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर लेके डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और तुरंत जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें लेके डाल देंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पे भून लेंगे। मसालों में हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे मसाले हमारे जले नहीं। और इसको अच्छे से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, मसालों को हमने अच्छे से लेके भून लिया था। इसको पकने में ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्याज भी हमने भून लिया था अच्छे से, भिंडी हमारी अच्छे से तली हुई है। तो अब इस सब्जी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे साइड से ये तेल छोड़ने लगा है। अब हमें क्या करना है, इसको आँच एकदम धीमी कर देनी है, क्योंकि हमें अब दही डालना है। दही क्रीमी दही होगी, जैसा मैंने कहा था कि बहुत ही अच्छा क्रीमी दही रहती है। और उसको अच्छे से फेंट लेना है क्रीमी दही को, और इसको लगातार हिलाते रहें, वरना दही फटने का डर रहता है। तो आँच धीमी कर दें और इसको लगातार चलाते रहें। 1-2 मिनट के लिए हम अच्छे से इसको पहले पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। 2 मिनट हो चुका है, हमने इसको लगातार चला के पकाया है। और देखिए कैसे मसाले अपने आप पक रहे हैं। अब हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं ऐड किया था। नमक आपको स्वाद अनुसार ही डालना पड़ेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दिए। ये देखिए, जो सब्जी मैं बता रही थी, इस सब्जी की स्पेशलिटी, तो यही इसकी स्पेशलिटी है। देखिए कितनी अच्छी ये लग रही है अभी से। अब हम इसमें उसी जो दही का बर्तन था, उसी से हम थोड़ा सा पानी लेके डाल देंगे। मैंने इसमें 3/4 कप पानी डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी और ले लेंगे टोटल। यानी हम इसमें 1 कप हमने इसमें पूरा पानी डाला है। अब इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें अपनी भिंडी डालेंगे। देखिए ग्रेवी में हमारा अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें अपनी भिंडी लेके डाल देंगे। ये देखिए, अब इसको पकने में बस
बहुत ही कम समय लगेगा। अब हम इसको दम लगा देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के पका लेंगे, फिर हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन हटा देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, जैसा मैंने इसका नाम रखा था ये वैसी ही दिख रही है, भिंडी महारानी। ये हमारी बनके तैयार है, अब हम इसको सर्व के लिए निकाल देंगे, सर्विंग के लिए। ये देखिए हमारी भिंडी महारानी बनके तैयार है। सो आप भी सब्जी को बनाइए और लोगों की वाहवाही पाइए, भिंडी की एकदम स्पेशल रूप है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। ओके, बाय।